For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. दोस्तों कल मैंने आप लोगों से कहा था कि आज जीरो और केजीएफ दोनों ही मूवी रिलीज होने वाली है, दोनों का ही बज काफी ज्यादा है और दोनों के रिव्यूज लेकर मैं आपके पास आऊंगी स्पेशली। तो चलिए शुरुआत करते हैं जीरो से। जी हाँ, जीरो फिल्म कल मैंने देखी और कहना जरूर पड़ेगा कि ये फिल्म बहुत प्यार से बनाई गई है, वो भी ऑडियंस के लिए। जी हाँ, फिल्म जीरो की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूं, इस फिल्म में शाहरुख खान ने कमाल कर दिया। शाहरुख खान की अब तक की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं। जी, और ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रही हूं बिकॉज मैं शाहरुख खान की फैन हूं, बट बिकॉज जब आप थिएटर के अंदर जाते हैं, जब आप बैठकर फिल्म देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक थ्रू आउट द फिल्म आपके फेस पे एक स्माइल रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं स्टार कास्ट की और उनकी एक्टिंग की। जी हाँ, टिग्मांशु ढूलिया से लेकर शाहरुख खान से लेकर आर माधवन से लेकर सारी केमियो एक्ट्रेसेस जिन्होंने भी किया केमियो, श्रीदेवी, करिश्मा कपूर, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ की परफॉर्मेंस हो या शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा की परफॉर्मेंस हो, जितने भी तमाम किरदारों के मैंने नाम लिए, इन सभी किरदारों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जी हाँ, बहुत लोगों का ऐसा कहना होता है कि कैटरीना को एक्टिंग नहीं आती, कैटरीना कैसे एक्ट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस फिल्म की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कैटरीना की जो परफॉर्मेंस है, एक होता है कि सिर्फ यू नो आप परफॉर्मेंस करके यार निकल के आ गए, लेकिन एक होता है जब आप परफॉर्म करते हो, आप स्क्रीन पर आपकी चाहे 10 मिनट की प्रेजेंस हो, लेकिन वो 10 मिनट की प्रेजेंस हमेशा याद रहती है। जी हाँ, कैटरीना कैफ की इस फिल्म में वो परफॉर्मेंस है। आई कैन बेट यू ऑन दैट कि जब आप लोग फिल्म देख के बाहर निकलेंगे तो कैटरीना का किरदार भले ही छोटा है, जी हाँ, कैटरीना का किरदार कंपेयर टू अनुष्का और शाहरुख छोटा है, क्योंकि ये फिल्म जो है अनुष्का और शाहरुख की लव स्टोरी पर बेस्ड है, लेकिन कैटरीना का जो उसमें किरदार है वो बहुत अहम किरदार है, बहुत यू नो इम्पॉर्टेंट किरदार है। मेरे हिसाब से मुझे ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई। क्यों? क्योंकि एक लव स्टोरी को बहुत कमाल लेवल के VFX के थ्रू बहुत ब्यूटिफुली दिखाया गया है, साथ ही साथ प्यार का एक अलग तरीका दिखाया गया है। ऑफकोर्स स्टोरी वही है, रोमांस वही है, स्टोरी वही है, रोमांस करने वाला रोमांस किंग भी वही है, लेकिन जिस तरीके से दर्शाया गया है, जिस तरीके से आनंद एल राय ने इस चीज़ को डायरेक्ट किया है, वाकई काबिले तारीफ है। इस बात के लिए डेफिनेटली उन्हें पॉइंट्स मिलने चाहिए। उसके अलावा अगर मैं गानों की बात करूँ, जिस लार्जर देन लाइफ प्रपोर्शन से गानों को शूट किया गया है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल अगर आपको मूवी देखते वक्त कोई सॉन्ग लगेगा तो वो दो सॉन्ग्स है। पहला सॉन्ग है सलमान और शाहरुख का सॉन्ग। जी हाँ, ऑफकोर्स सलमान और शाहरुख हैं इस फिल्म में, जिनका केमियो है, तो ऑफकोर्स वो सॉन्ग स्पेशल होना ही है। लेकिन उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो इस फिल्म का जो रोमांटिक ट्रैक है जो अनुष्का और शाहरुख के बीच में है, मेरे नाम तू, उस फिल्म की पिक्चराइजेशन के वक्त अगर आपको गूज़बम्प्स ना आए तो मैं अपना नाम नहीं बदलूंगी, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि आपको डेफिनेटली वो गाना इतना ज़्यादा लार्जर देन लाइफ लगेगा, इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगेगा कि यू नो आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा। गानों की बात हो गई, स्टार कास्ट की बात हो गई, बात करते हैं सबकी एक्टिंग की। शाहरुख खान ने अपनी करियर का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है इस फिल्म में। जी हाँ, ये नहीं कहूँगी कि इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा रोल किया नहीं है। शाहरुख को देखकर थ्रू आउट आपके फेस पर एक स्माइल बनी रहेगी, क्योंकि शाहरुख इतने लाजवाब लग रहे हैं इस फिल्म में, इतने क्यूट लग रहे हैं शाहरुख इस फिल्म में। थ्रू आउट एक आपको हैप्पी फीलिंग आएगी, एक हैप्पी वाइब देने वाली ये फिल्म है। आप फैमिली के साथ जा सकते हैं, वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं अपना। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से शाहरुख ने एक बौने इंसान का कैरेक्टर प्ले किया, यहाँ पर मैं VFX टीम की दाद देना चाहूँगी। ऑनेस्टली जिस लेवल का VFX यूज हुआ है, आपको एक सेकेंड के लिए भी ऐसा नहीं लगेगा कि शाहरुख एक्चुअल में एक बौने नहीं है बल्कि एक नॉर्मल हाइट के इंसान है। जी हाँ, आपको हर सेकंड ये फील होगा कि शाहरुख खान नहीं, बउआ सिंह ही है, लेकिन बौने मतलब ऐसा नहीं लगेगा बौना जो उनका दिखाया गया है बौना कैरेक्टर वो एक फेक कैरेक्टर है, बिल्कुल रियल कैरेक्टर लगेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्टारडम है स्टार्स का वो कैरेक्टर पर भारी पड़ जाता है, यानी अगर आप स्क्रीन पर शाहरुख को देख रहे हैं तो आपको वो कैरेक्टर नहीं दिखेगा, जैसे राज या राहुल वो कैरेक्टर नहीं दिखता है, आपको वो शाहरुख खान दिखते हैं। लेकिन इस फिल्म में आपको अनुष्का शर्मा नहीं लगेंगी, वो आफिया लगेंगी जो उनका कैरेक्टर है। शाहरुख खान नहीं लगेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अपने मेरिट से बउआ सिंह लगेंगे। कैटरीना कैफ बबीता कुमारी लगेंगी, कैटरीना कैफ नहीं लगेंगी। इस तरह का जो तमाम इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस दी हैं इन तीनों मेन सेलिब्रिटीज़ ने, बहुत
ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। उसके अलावा अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ, सुपर्ब तरीके से डायरेक्शन को दिखाया गया है। एक लव स्टोरी दिखाई गई है, किस तरीके से शाहरुख को पहले अपने बराबर की लड़की से प्यार होता है और फिर उनके ख्वाब कुछ ज़्यादा ही बड़े होते हैं, आसमान छूने के ख्वाब होते हैं, जिसमें बबीता कुमारी का नाम आता है। और कैटरीना की एक अलग अपेयरेंस दिखाई गई है, जहाँ पर वो उनकी एक अलग ज़िंदगी है, किस तरह से स्टार्स की ज़िंदगी होती है उस तरह की उनकी एक अलग से ज़िंदगी है। लेकिन उसके बावजूद बबुआ सिंह वहाँ तक पहुँचता है और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि प्यार उन्हें ऑफकोर्स किसी एक ही इंसान से था, दोनों से वो प्यार नहीं कर सकते। तो इस तरह की मैं स्टोरी रिवील नहीं करूँगी, स्टोरी आप लोग जाइए देखिए। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी, जिस तरीके से इस पिक्चर को बनाया गया है, आपको ज़रूर लगेगा कि सच में मेरठ से, यूपी से सारा प्यार आपको परोसा गया है। क्या बोली यूज़ की है सब लोगों ने, एक थ्रू आउट एक डिक्शन मेंटेन किया हुआ है, कहीं पे भी कोई फ्लॉज नहीं नज़र आए मुझे। कोई शक नहीं है अगर ये फिल्म, या कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर ये फिल्म आराम से 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेती है विद इन 2 weeks, क्योंकि वाकई में ये फिल्म बहुत प्यार से बनाई गई है। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो एंड वॉच दिस फिल्म। एंड उसके साथ साथ जैसे सभी एक्ट्रेसेस का केमियो पेरेंट्स था, ऑफकोर्स जब श्रीदेवी पर्दे पर नजर आई तो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया मोमेंट भी क्रिएट हुआ, क्योंकि बहुत टाइम बाद श्रीदेवी नजर आई, वो भी तब जब वो इस दुनिया में नहीं रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखना वाकई बहुत अच्छा था, बहुत नॉस्टैल्जिया था। सारी एक्ट्रेसेस का उसमें केमियो है, उसमें एक सरप्राइज एलिमेंट भी है, और वो सरप्राइज एलिमेंट क्या है वो हम आपको नहीं बताएंगे, वो आपको पता चलेगा जब आप फिल्म जाकर देखेंगे। मेरी तरफ से इस फिल्म को फुल ऑन थम्स अप है, सारे थम्स अप्स हैं इस फिल्म के लिए। और अगर रेटिंग्स की बात की जाए तो मैं इस फिल्म की डायरेक्शन को, इस फिल्म के एक्टिंग में, एक्टिंग को, जैसे किरदारों ने एक्ट किया है, इन सभी को 5 out of 5 देना चाहूँगी। लेकिन सिर्फ एक थोड़ी सी कमी अगर मुझे नजर आई वो ये थी कि फर्स्ट हाफ जो है फिल्म का वो पूरा कॉमेडी से भरा हुआ है, आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, वो इतना फनी है। सेकेंड हाफ में रोमांस और इमोशन की ज़्यादा मात्रा आपको मिलेगी, लेकिन सेकेंड हाफ जो है वो आपको थोड़ा लंबा लगेगा, ऐसा लगेगा थोड़ा एग्जैजरेट किया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको स्पेस से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, ये डेफिनेटली मैं आपको बता सकती हूँ। इतना डिटेल में और इस लेवल का VFX यूज़ करके शायद ही पहले किसी फिल्म में बताया गया हो। तो फिल्म डेफिनेटली देखने चाहिए, और आने के बाद मुझे बताइए कि फिल्म कैसी लगी, रिव्यू कैसा लगा ये भी बताइए। फिल्म के लिए एक्साइटमेंट मैंने आपकी डेफिनेटली बढ़ा दी होगी, क्योंकि स्टोरी तो मैं रिवील नहीं करने वाली, स्टोरी तो आपको वहीं जाकर देखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, फिल्म बहुत बहुत अच्छी है, प्लीज़ जाइए, प्लीज़ जाकर फिल्म देखिए, और इसके बाद वेट कीजिए क्योंकि मैं लेकर आ रही हूँ KGF का रिव्यू सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। सो प्लीज़ डू वॉच फिल्म ज़ीरो, ऑल्सो प्लीज़ डू वॉच फिल्म KGF। एंड आपको ये रिव्यू कैसा लगा, आपको फिल्म कैसी लगी, प्लीज़ कॉमेंट्स करके बताइए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त ज्योति नाहक, साइनिंग ऑफ।